feel the heat in the ice cream. This is such an uncommon thing. Heatness in an ice cream? Do I like it or do I not? अगर हम मेंस भी खाने हैं तो हाथ हल्का लगेगा और अब ये लगाएंगे टेबल पे खाना। अब मैं करूंगा अटैक सीधा खाने में। What's up people, I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बारी। आज कहाँ पे हूँ मैं? नोएडा में। किस तरफ? GIP मॉल। मेरे को ना यार बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है लोगों की, यार शोएब आप बुफे वगैरह ट्राई नहीं करते। मेरा मन था आज बुफे खाता हूँ एंड अनलिमिटेड फूड। यार जहाँ पे आज मैं आया हूँ जगह का नाम है एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। यहाँ की स्पेशलिटी पता है क्या है? ओके, द मेनी प्लेसेस जो बारबेक्यू देते हैं, ये मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है ओनली बिकॉज दे सर्व सी फूड इज वेल। सी फूड बोले तो इनके स्क्विड्स मिलते हैं, ऑक्टोपस मिलता है, शार्क फिश मिलती है एंड मेनी मेनी मोर आइटम्स। पूरा जवान सिंह का सेटअप है ऑब्वियसली, आप सबको पता ही होगा। करना क्या है, ऊपर जाना है, एक पहले लुक एंड फील देखनी है, उसके बाद यही बुफे ऑर्डर करना है, फिर इनकी सारा स्प्रेड देखना है क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, चाहे वो इंडियन फूड में हो, चाहे वो सी फूड में हो, चाहे वो मंगोलियन में हो, चाहे वो इटालियन में हो, चाहे जो भी हो, वही सब करना है। हल्का हल्का सब कुछ ट्राई करूँगा, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा खा नहीं पाऊँगा, उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा जेन्युइन। वीडियो के अंत तक बन रहना, बहुत पानी आएगा। चलें गाइस, गेट नंबर 1 से अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे बना हुआ है एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। और दूसरा तरीका है कि गेट नंबर 11 है वहाँ पे, वहाँ से सीधा आएंगे, यहाँ गाड़ी पार्क करके सीधा एब्सोल्यूट बारबेक्यू। चलते हैं अंदर। हाय यार, आई हैव अ बुकिंग शोएब अरोरा के नाम से, ठीक है, फॉर 2। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, थैंक यू। गाइस जस्ट एंटर्ड, ये पूरी जगह है। गाइस मीट साहिल। Sahil, thank you for inviting me, yaar. Hi sir, most welcome here, sir. Acha, look like a big spread, yaar. मुझे थोड़ी सी assistance चाहिए होगी आपकी. पक्का. In understanding कहाँ पे क्या क्या है. बिल्कुल. And ठीक है, फिर kitchen भी enter करेंगे. पक्का sir. ठीक है, start करें. Yes, be sure. चलो. Sir, यहाँ पे हमारा exotic counter है. ये सब exotic vegetables हैं. तो ये सारे vegetables हैं. Yes. आप कुछ भी vegetable choose करें according to your taste. हाँ. और यहाँ पे हमारे पास sauce है, आप sauce taste करेंगे. अच्छा. कौन सा sauce आप ज़्यादा like करते हैं? उसके अकॉर्डिंग हमारे शेफ आपके लिए प्रिपेयर करेंगे सर। तो वहाँ पे मंगोलियन बनेगा। बिल्कुल सर। एंड वहाँ से हम मीट चुनेंगे। वहाँ देखिए एक बारी। बिल्कुल क्या फिर यहाँ पे टर्की है, शार्क है, इसके बाद दे हैव डक, दे हैव कल्चर्ड बनी, इट्स कॉल्ड गिनी फाउल, ठीक है, इट इज़ वेरी स्पेशल बर्ड इन अफ्रीका, आई हैव रेड अबाउट इट। यहाँ पे ऑक्टोपस, स्क्विड्स वगैरह हैं। इसके अलावा दे हैव गार्निश करने के लिए लॉट ऑफ vegetables and lettuce and I can see coriander vagera vagera with spring onion, so lot of things to garnish. How are you chef? Awesome sir. Awesome. Yes, make me an amazing salad hai. Yes, stir fry and put apne hisab se do banane hai, ek aapne mujhe dena vegetables plus obviously seafood. Yes, and the other one with meat like duck and cultured bunny. Cultured bunny is rabbit, right? Yes, ha to mujhe rabbit bhi khana hai aur turkey bhi dal dena. Concept ye bhi hai na customer khud jaake ab khud andar jaake stir fry kar le. Ha main bhi karunga abhi jaake. You can taste these sauces, you can tell to chef ki kaun sa sauce mujhe chahiye. Ha, so you make it your own? Yeah, this is totally make it your own and it is wish group counter, so as per your wish we create it. I'm sure you do. Main andar jaunga, help karunga chef saab ki. Theek hai, thanks brother. हाँ तो सर, ये चार काउंटर हमारे पास। अच्छा, पानी पूरी, पापड़ी चाट, अच्छा सब कुछ यहाँ पे। जी सर, ठीक है। लाइव हमने मटन रोगन जोश और चिकन दम बिरयानी लगा रखा सर। देख सकता हूँ? बिल्कुल सर। मैं एक पीछे से आके देखता हूँ शेफ साहब, पीछे की तरफ जा रहा हूँ। बिरयानी दिखाओ जी। दिस इज चिकन बिरयानी। Guys, the rice is looking very fluffy and all. ये हैदराबादी बिरयानी is what we doing? दम बिरयानी? हाँ। Can I see a piece, chef sir, please? वाह, तो ये बिरयानी हो गई। आगे चलें? Yes. This is mutton rogan josh. Yes, sir. Kashmiri cuisine, authentic. So again, mutton rogan josh. थैंक यू। इसके बाद ये है आपकी आलू टिक्की सर। आलू टिक्की? यस, बनाया हुआ है। अच्छा, ये ऑलरेडी किसी तैयार है? कैन सी इट? थैंक यू ब्रदर। कहीं से किसी के लिए तैयार हो गए। सो ये गार्निश वगैरह जो आपने करके दिया लोगों को, सबको मिलता है ऐसी? बिल्कुल सर।
और गाइस इस तरफ क्या है, ये इटालियन काउंटर है, हमारा इटालियन काउंटर है। या हियर वी गेट पास्ता एंड पिज़्ज़ा। अच्छा, सो सी वी हैव पास्ता विद वाइट एंड रेड सॉस। सो यहां पे लाइव बनता है बिल्कुल, एंड देन इट्स गिवन ऑन द टेबल। यस एब्सोल्युटली। अच्छा यस, एंड देन दिस इज द पिज़्ज़ा काउंटर। यस यस। अच्छा गाइस, पूरा हुलिया बदल गया मेरा। आई एम ट्राइंग टू बी वन ऑफ देम यार, बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं। आई थॉट आईड हेल्प देम विद स्टरिंग अ लिटिल बिट, खाना वाना है थोड़ा सा मदद वगैरह। थैंक यू फॉर दिस रवि। इस तरफ आया हूँ, ये डिजर्ट काउंटर। अच्छा, किड्स काउंटर, किड्स प्राइस आर देयर, ब्रेड, सम बर्गर, मिनी बर्गर इज देयर एंड सम चॉकलेट बॉल्स। अच्छा अच्छा, सो दिस इज ऑल किड्स काउंटर। यस सर। एंड देन मूविंग अहेड, यहाँ पे आप सर। ओह अच्छा जी, हमारा स्पेशल आइसक्रीम है सर, पान फ्लेवर है, उसको प्लीज ट्राई कीजिएगा। पान वाली जो कह रहे हैं साहिल, पान वाली आइसक्रीम मुझे अभी बना के दिखा दोगे? थैंक यू। वनीला आइसक्रीम। सो यू पुट वनीला आइसक्रीम एंड देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पान आइसक्रीम विद इट। यस सर। पुट पान मुझे आफ्टर दैट। अच्छा, इसको पान जाएगा। ये आपने क्या डाला, ग्लूकन टाइप समथिंग? पान का सॉन्ग सा मिक्स है। अच्छा, ऑलरेडी पान मिक्सचर है पूरा। स्प्रिंकलर। अच्छा, स्प्रिंकलर जाएगा ऊपर। जी सर। सो दिस इज डन। जी सर। सो बेसिकली मोटा मोटा ये है दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल पान मिक्सचर विच गोज वेल विद द वनीला आइसक्रीम एंड यू मिक्स इट अप एंड देन सर्व इट। हां जी सर, विद अ ब्यूटीफुल स्प्रिंकलर। जी सर, विद पान सॉस। थैंक यू शेफ साहब, वंडरफुल ऑफ यू। खाऊंगा खाने के बाद, इसको सेव कर लेना मेरे लिए। ठीक है सर, थैंक्स। यहाँ पे क्या है आपका? सर, मूंग दाल हलवा है सर। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है यार सर। ये मुझे वनीला आइसक्रीम बड़ा अच्छा लगता है साहिल। बिल्कुल सर, मेरा मन करेगा इसे खाने का। ठीक है। और ये सर अंगूरी गुलाब जामुन है। ओए होए होए होए। सो लोग आ गए, आई थिंक बफेज में पीपल एंजॉय डेजर्ट्स अ लॉट। हां, लॉट ऑफ इट। दिस इज जलेबी। यस जलेबी भाई। हां, आई एम जस्ट किडिंग यार। और ये हो गए आपके ब्राउनीज। बिल्कुल सर। राइट, एंड देन यू हैव अ फ्रिज विद कस्टर्ड एंड ऑल। फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड हो गई। देन यू हैव पेस्ट्रीज एज वेल आई थिंक। ऑलराइट, दैट इज इंद्राणी। इंद्रा, अच्छा जी, इंद्राणी मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल सर। क्या बात है, गाइस लुक एट दिस यार, बहुत रिच होती है यार, है कि नहीं? फिरनी, फिरनी हो गई। देन यू हैव अ केक। सो केक पीपल टेक अ स्लाइस, हाउ डज इट वर्क? यू कैन कट द केक, यू कैन टेक बाय योरसेल्फ ओनली, हाउ मेनी पीपल वांट टू टेक। अच्छा, इट्स अ पार्ट ऑफ द डील। यस यस, गुड स्टफ मैन। एंड बाकी ऑब्वियसली यू हैव चीज केक, फ्रेश कट फ्रूट्स एंड देन फ्रूट जेलीज। आई डोंट लाइक जेलीज मैन, पता नहीं, मेरा जेली वाला टेस्ट नहीं हो, बाकी सब अच्छा है। आई एम जस्ट किडिंग यार। आप कैरी ऑन करो, मैं आपको अब मेन गेट पे मिलता हूं। ठीक है, अंदर चलते हैं। वहाँ पे ना जो मैंने पहना हिसाब किताब, इसका इस्तेमाल भी तो किया जाए। बढ़िया साफ कर खाने का, पता है क्या कि बहुत कुछ ट्राई करना है तो जल्दी करते रहो यार। सो ये पोटैटो डाला आपने, इसका ये सेव है? सेव है। एंड वी हैव, सो यहाँ पे आपका मिंट वाला पानी, जो नॉर्मल वाला पानी होता है रेगुलर। आई लाइक दैट इट्स कोल्ड यार, अच्छी बात है। और यहाँ पे हमारा सॉल्ट वाला पानी। जी है जी, ट्राई करो यार एक गोल्ड कप का। कैमरा मैन प्लीज होल्ड द कैमरा। ये खुद बनाया आपने? जी, आपके इंटरनल बनता है ना गोल्ड कप। वेरी गुड यार, मजा आया। और क्या खाएंगे? पहले बनाते हैं यार। आप ग्रिलिंग करने वाले हैं? मैं दे रहा हूँ। ये आपकी सैलेड, आपने प्रेपरेट में बोला था ना काले कलर। ठीक है सर, आप ये वेजिटेबल्स और ये इसमें आपका जो सी फूड है वो आप ग्रिल पे डाल दूँ? यस सर। ओके, डाल दिया। वो मैंने लव ऑक्टोपस था, ये ऑयल है हमारा, स्प्रे कर देते हैं। दैट्स इनफ। दैट्स इनफ, आई एम सो सॉरी मैन, आई माइट ओवरडू इट। हां, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ, जस्ट अ लिटिल बिट, पिंच। नो, दैट्स इनफ। तो इसमें हमने डाल दिया शार्क, ऑक्टोपस एंड स्क्विड, है ना? ठीक है, आपने मुझे वो भी खिलाना है दूसरे वाला। जी ठीक है, एक्जैक्टली। अपने हिसाब से गोज वेल्ड। यू लाइक स्पाइसी और यू लाइक माइल्ड? लेट्स डू द अदर वन स्पाइसी एंड दिस वन मिक्स स्पाइसी। मैं बना इसको इंडियन ही बनाऊंगा। ओके, आई वांट टू कीप इट ब्लैंड, द रियल टेस्ट ऑफ सी फूड। ठीक है, बात चलते हैं। गाइस, ये इनका चिली चिकन।
साथ में है ये फ्राइड राइस और यहाँ पे है ना फिश करी एंड एग करी होम स्टाइल। ये देखो जी क्या बात है, ऑब्वियसली दिस इज मेड इन ऑल इंडियन सेंस। और यहाँ पे एग करी, यहाँ पे है बटर चिकन और यहाँ पे इनका बटर चिकन। आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली इनके सारे वो रशियन सैलेड वगैरह वगैरह कॉन्डिमेंट प्याज वगैरह चटनियाँ वटनियाँ सब कुछ विद ऑब्वियसली रायता। एंड ये है इनका वेज बिरयानी, आई डोंट वांट टच इट, यार बड़े अच्छे से गार्निश कर रखा है कैरमलाइज्ड अनियन टमेटोज मिर्ची विर्ची डाल के ग्रीन बीन्स के साथ। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड वेजिटेबल डिलाइट्स, ये आई थिंक मलाई कोफ्ता है, पनीर मखनी वाला, साथ में कॉर्न पालक कॉर्न होगा। एंड देन इस तरफ है इनका मंचूरियन वगैरह 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 ऑल चाइनीज स्टफ शेजवान नूडल्स वगैरह। एंड देन फाइनली स्टीम्ड राइस दाल एंड दाल फ्राई एंड दाल मखनी, क्या बात है। आफ्टर लाइफ काउंटर लेट्स एंटर द किचन। हेलो सर, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? कैसे सर? बढ़िया लग रहा है। नॉनवेज? यस सर, नॉनवेज। प्रॉन्स कलमी? यस सर। चिकन टिक्का? यस सर। राइस एंड फिश? हाँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फिर से ये हो गया चिकन टिक्का, ये हो गया कलमी आपके, ये बोनलेस कलमी होता है। यस सर। स्वीट, और साथ में आपके प्रॉन, चिली गार्लिक प्रॉन्स? चिली गार्लिक प्रॉन्स। गाइस यहाँ पे सारा नॉनवेज लगा हुआ है। गाइस सब देख रहे हैं वेज वाला, सो नाउ इज नॉनवेज टाइम। सो यहाँ पे सारे वेज, सो नॉनवेज और वेज अलग अलग रखते हैं आप लोग? यस सर, सेपरेट सेपरेट रहता है। तो सब यहीं से फ्रेश बन के सभी टेबल्स पे जाता है। वेरी गुड गाइस, फिर से बता रहा हूँ, ये सारा इनका लाइव काउंटर है, ये सारा आइसक्रीम प्लस डिजर्ट, वो वहाँ पे सारा पेस्ट्रीज और मूव्स वगैरह खानी है तो उसका फ्रिज, एंड यहाँ पे आपके मेन्स हैं और पीछे ऑब्वियसली आपका लाइव किचन है। टेबल पे आपको लाइव वो मिलेंगे स्टार्टर्स वगैरह फ्रेशली मेड फ्रॉम द किचन। ये वाला जो एरिया इनका, सो दिस इज अ प्राइवेट एरिया है, पार्टी वार्टी भी कर सकते हैं, देयर इज अ प्रॉपर बार दैट दे हैव। अरे शेफ साहब ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी यही बनता है? गुलाब जामुन रोल आइसक्रीम, गुलाब जामुन रोल आइसक्रीम जी सर। कैन आई सी इट? वो भी जी सर। साथ में वनीला आइसक्रीम होती है? नहीं सर, रबड़ी और वनीला आइसक्रीम। अच्छा, रबड़ी और वनीला आइसक्रीम मिक्स कर देते हैं। रबड़ी और वनीला मिक्स कर देते हो जी सर। सर इसमें आपने डाला है वनीला आइसक्रीम जी सर, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। सो इसको भी ना मेरे को आप पानी में देना जी सर, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हो शेफ साहब आप, इसको रोल बना रहे हो जी सर, जिसका नाम है जी सर। वेरी नाइस, पूरा जोर लगा दो। सो अब मुझे समझ आ रहा है, वनीला आइसक्रीम, रबड़ी और गुलाब जामुन जी सर। ओए होए होए, अच्छा इसके साथ में ये भी देते हो जी सर, हो गया जी सर। ओके ब्रो, गाइस पता है भूख कितनी लग रही है, इन्होंने मुझको बुलाया यहाँ पे 1 बजे, सो आई थॉट इफ आई हैव ब्रेकफास्ट और यहाँ अगर बफे करूँगा तो इट वोंट बी पॉसिबल, कुछ नहीं खाया हुआ। अब बच गया यहाँ पे 3:10, मतलब 2 घंटे से मैं यहाँ सिर्फ शूट ही कर रहा हूँ और अब लग रही है भूख, और अब ये लगाएंगे टेबल पे खाना, अब मैं करूँगा अटैक सीधा खाने में। थैंक यू ब्रदर। चिकन टिक्का और कलमी, आई थिंक कलमी चिकन टिक्का, कलमी चिकन टिक्का। चिली गार्लिक प्रॉन्स, पीरी पीरी फिश हो गई, साथ में कलमी चिकन टिक्का हो गया। हाउ वंडरफुल यार, थोड़ा वेज भी डाल। अच्छा वेज भी ले आना, थैंक यू ब्रदर। गाइस यहाँ तो जनरली खाना इज ओनली बिकॉज इट्स लुकिंग सुपर डुपर, एंड बाय द वे गुड थिंग दे गिव यू ऑयल टू पुट इट ऑन टॉप यार, थोड़ा सा ना जस्ट टू मेक श्योर दैट योर कबाब्स एंड योर टिक्कास आर जूसी एंड स्मोकी एज वेल, यू कैन सी स्मोक कमिंग इन। तो ये कुछ सीन है, ट्राई करते गाइस, थोड़ा कलमी डालते हैं। I love kalmi yaar. And yahan pe na boneless mil raha hai. Normally I've seen with bone. So that's really cool yaar. Chili prawns. And saath mein lete hain piri piri fish. Ye dekh le ek bari aake. So guys, piri piri fish, chili prawns and then we have kalmi tikka. The starters. Saath mein I'll have a little bit of mint sauce. Aapko pata hai chutney ke banana maza nahi aata. And ye kaun si sauce hai? This minis? Garlic minis. Garlic minis? Thank you, brother. Telling me. Huh? I'm going to start with prawns. यहाँ पे जल्दबाजी में काम करना पड़ेगा because there's so much to taste यार. एक बार फिर भी देख लो. Super duper, हाँ.
वेरी रस्टिक स्मोकी अमेजिंग यार। और मुझे जितना खिलाना खिला लो यार। कलमी कबाब हाँ, हल्की सी हरी चटनी, जितना खिलाना खिला लो स्टार्टर्स। पता यहाँ पे सीन क्या है, दैट दे ओवरलोड यू विद स्टार्टर्स मैन। पता मेन कोर्स तक कैसे पहुँचेंगे, बिकॉज़ द फूड इज लाइक दैट यार। पीली पीली फिश बहुत अच्छी है। अरे साइड वो भी लगा देना, सैलेड यार हो गया। अरे आइए दिस इज विच वन शार्क ऑक्टोपस स्क्विड, इसके साथ दे पुट दे ओन स्टाइल ऑफ सैलड्स बनाए। मैंने ना शेफ साहब पे छोड़ दिया था, मेक इट द वे यू वॉन्ट टू विच इज सेड ओके। ट्राई करें। ओ मैन, अच्छी बात है क्या, पाइपिंग वाटर अभी बन के आया यार। पेपर सॉल्ट एंड दैट्स अबाउट इट, द रियल फ्लेवर्स, गुड मैन। पता है बहुत लोगों को समझ नहीं आता सी फूड, एंड आई अंडरस्टैंड यार, आई लव इट, तो मैं खा रहा हूँ यार। एंड विच इज़ वाई एब्सोल्यूट बारबेक्यू ना मैं आता था, बिकॉज कहीं भी ऑक्टोपस की मिलता है यार खाने को। मैं जाती ना शाम का मजा आ गया। हाँ लेकिन देखिए थैंक्स। You know my favorite? And the three of them, squids, octopus, yeah. Octopus, yeah. मैंने बहुत खाया। Thanks, sir. More barbecue turkey. Thank you, brother. And that's mutton steak. Thanks, brother. ये must है। You know why? ये सब को मैं खाते रहता हूँ यार। ये सब मिलता नहीं यार। Very happy. हाँ जी, आ जाओ जी, वापस Indian food हाँ। Just have a look. ऑलराइट, सो तंगड़ी को ये पूरा वेल डन करके देते हैं फ्रॉम द किचन इटसेल्फ, नॉट ऑन द बारबेक्यू इज ओनली बिकॉज लेग्स है यार, दे शुड गेट कुक्ड प्रॉपरली, और थोड़ा लेग्स मुश्किल होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंदर से पका हो अच्छा। पाइन एप्पल कॉर्न पनीर मशरूम लेग कॉम्प्लीमेंट देना यार, तंगड़ी दैट आई जस्ट हैड एंड एज वेल एज प्रॉन्स यार। थैंक यू बगीचा, यार आप इतना खिला रहे हो ना, मैं जिंदा कैसे बचूंगा ब्लॉक के। और आ रहे हैं ना, मेन्स भी खाने हैं तो हाथ हल्का लगेगा। जैसे गाइस जस्ट हैड मटन सीक, मज़ा आ गया। पतली मटन सीक है एंड द फ्लेवर्स द मसाला करेक्ट यार। कैन आई हैव अनदर प्लेट यार, मैं तो खाते रहूँगा। अनदर प्लेट कैन आई हैव अभी प्लीज, थैंक यू। ये क्या है उसको, पाइन एप्पल, ये मैंने देखा था किचन में। ये सब टॉन्ग ले लीजिए आप, मैं इधर से स्लाइस कट करूँगा, आपको टॉन्ग से निकालना होगा। लाइक दैट गाइस, ये देख लो पीस, हाँ यहाँ से देख लो, ये पीस निकाल के दिया है। वाह, कैन आई हैव दिस पहले, थोड़ा और शतप, बस 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 बस, दैट बी टू मच, बाकी भी खाना है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाइस, इजंट इट लुकिंग ग्रेट। थैंक यू सो मच, वेरी यूनिक मैन, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सर्विस। गाइस पोटैटोस, सम अमेरिकन पोटैटोस दैट दे स्पोक टू मी अबाउट, इसे कैजू भी कहते हैं। मैं ना वेज बहुत कम खाता हूँ जब मैं बुफे में आता हूँ, बट दिस वन इज रियली गुड यार। थैंक यू, इसकी जरूरत थी मुझे यार। गाइस यू नो व्हाट डू आई लव, द स्किन ऑन द पोटैटो वेरी क्रिस्प। अरे ये दही के छोले हैं, ये दही के छोले हैं रवि, है ना? नहीं ये दही के छोले हैं, दही कबाब ना। गाइस दही कबाब देख लो, ब्यूटीफुल लग रहा है।
हल्की सी जो मिठास है ना, जो रिचनेस है वो कमाल कर रही है। अब मैं करता हूँ ये हल्के से वेज स्टार्टर्स बचे हैं इनको ट्राई करते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ साहिल बहुत काम खराब कर रहे हो तुम मेरा, तुम बहुत खिला रहे हो मेरे को। दिस इज टर्की रैबिट एंड डक। अभी वेज पे कूदा ही था कि आप नॉन वेज ले आए। गाइस एक मिनट ये देख लो, इसमें रैबिट है, डक है और टर्की है। रैबिट ये रहा। आई नो बहुत लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होगा ये खाना यार। इट फील्स लाइक चिकन मैन। हल्का सा टेक्सचर अलग है बट इट एब्सोल्युटली फील्स लाइक चिकन एंड आफ्टर कुक आपको पता नहीं चलेगा। अब आते हैं इस पे डक पे। वैसे जस्ट फॉर नॉलेज डक का जिसने नहीं खाया ना वैसे बता दो डक फील्स मोर स्मोकी एंड लास्ट टर्की। फाइनली टर्की। फेवरेट टर्की वाइज क्योंकि जो ग्लेज है ना वो बड़ा अच्छा है। ठीक है तेरे ये बगीचा था ऊपर ना मैक्सिकन सीजनिंग डाल रखी है ऐसा फील आ रहा है। ये खाए हरियाली मशरूम। दिस इज गुड। ये क्या था शेफ साहब? चाप मुझे चाप सोया चाप तो ठीक है। कौन सी चाप है ब्रदर? ये जारी सोया चाप। पर्सनली मशरूम एनी टाइम बेटर। यहाँ का सीन ऐसा है कि आप परेशान हो जाओगे। इज ओनली बिकॉज यार कुछ दिख रहा होगा एंड इट्स नॉट इवन फनी यार। इतना खाना ना यू एंजॉय इट इज वेल बिकॉज इतना कुछ वैरायटी मिल जाता है। He is good man, soft, नरम। मैं ही खा रहा हूँ स्टार्टर यार। और मैं मंगाऊँ मेन कोर्स फिर बर्गर वाला। आपको क्लियर कर देना मैंने ना मेन कोर्स यहीं मंगा लिया, आपको जाके खुद लेना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस है। बट मैंने इसलिए मंगाया इज ओनली बिकॉज बहुत सारी आइटमें ट्राई करनी थी और वो एक प्लेट में फिट नहीं आती। सो आई आस्क्ड फॉर देयर हेल्प। एनीवे सो वी हैव मटन हैदराबादी बिरयानी, देन वी हैव दाल मखनी, पनीर बटर चिकन एंड देयर फिश करी। वाह साथ में रोटियाँ हैं, कमाल हो गई। ट्राई करें, स्टार्ट करते हैं हैदराबादी बिरयानी से, तब आते हैं करीज पे। गाइस ये हो गई बिरयानी इनकी। आई लव द राइस, दे फ्लफी, बहुत ऑथेंटिक लग रही है। हैदराबादी बिरयानी है, दम लगा हुआ था इस पे, है लेग बाइट। पहले से चावल की लूँगा विदाउट द पीसेस ओनली बिकॉज देखें चावल कैसे हैं। A1 यू नो व्हाट्स ऑथेंटिक इन द बिरयानी, द एक्चुअल टेस्ट। कई बिरयानी बड़ी मशी होती है, कई उसमें ग्रेवीज डाल देते हैं, इसका अपने आप एक फ्लेवर है एंड इट्स अ वेरी रिच फ्लेवर। A1 रिपोर्ट। स्टार्ट करते हैं ग्रेवीज। ओह मैन आ जाओ जी आ जाओ। मखनी ट्राई करते हैं। कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप खुश होकर ना जाओ। स्मोकी दाल मजा आना है। यह पनीर कैसे है? पनीर मक्खन वाला। यू नो व्हाट, आप इतना ज़्यादा कि फुल मत हो जाना कि अपनी करीज ट्राई ना करो बिकॉज करी से बहुत दम है यार एंड आई एम नॉट इवन बीइंग फनी यार। या जाओ जी, वो पनीर मक्खन वाला था तो ये चिकन मक्खन वाला है, मतलब बटर चिकन है। ये देखो जी अच्छे से लेते ग्रेवी है। ये देखो जी नेक्स्ट टाइम काम होता है तुम्हारी वजह से ना वो फिर मैं आ गया हूँ। खाना हो रहा है, कितना खाना बढ़ रहा है। वैसे देख लो फिश का पीस है। ओह फुल ऑन मेस्ड अप, हाँ पूरा मेस्ड अप सीन है। फेवरेट बताऊँ दाल पनीर और चिकन फिश। ओके यार ये तीनों A1 है। A1 मतलब A1। आ जाओ जी आ जाओ, लास्ट एंड नॉट लीस्ट मटन, इसका जाएंगे मीठे पे। ये देखो जी ये है मटन। ओके सबसे पहली चीज़ जो नोटिस में आ रही है, नरम यार, आराम से पीस बोन से निकल रहा है। आएगा
और ये ग्रेवी में डिप करते हैं वो है सही बताऊँ ऑनेस्टली फेवरेट ये है आपको पता है बायस टू बटन के लिए आ रहे हैं ये वो जो रोल था गाइस ये ना बड़ा धमाकेदार लग रहा है यार सो गुलाब जामुन दिस इज़ गुलाब जामुन रोल जिसमें रबड़ी और वनीला आइसक्रीम है हल्का सा पीस लेते हैं गुलाब जामुन का और लेते हैं ये यार वो पान आइसक्रीम भी दे देना ब्रदर ठीक है अगर मुझे इसकी रेटिंग डालनी होती ना आपको याद है वो वनीला आइसक्रीम खाते हैं विद गुलाब जामुन ओह मैन नथिंग बेटर इन दिस वर्ल्ड यार ये कौन सी चिली आइसक्रीम यू लिटरली हैव पुट चिली नट चिली फ्लेक्स एंड चिली अच्छा जी ओके गाइस पहले पान वाला खाते हैं बड़े मुसीबत में डाल दिया आपने सोचने मेरे को कि वो बेटर है ये बेटर है एंड आई एम नॉट इवन किडिंग यार पान वाला वर्जन इज डूइंग एब्सोल्युटली टू द कोर समझते हो पूरा पानी खा रहे वाला इसका मैं मीठा नहीं खा सकता और आई एम लिटरली सेइंग नहीं खाता यार हेल्प यू देख रही है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लुकिंग एट अ रोल इसका रोल में क्या क्या है रबड़ी है रबड़ी आइसक्रीम है चिली अच्छा विद चिली ओके लेट्स टेक अ बाइट दिस इज वेरी अनयूजुअल मैन दिस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग दैट आई हैव हैड यार You feel the heat in the ice cream. This is such an uncommon thing. Heatness in an ice cream. Do I like it or do I not? I don't know, man. Oh. ये कहीं मिलता नहीं। कहीं नहीं मिलता यार। Very different. ये इसकी वजह से ना ये हमने लाया क्या? ये आसपास कहीं नहीं। कहीं होगा? मैं पहली बार खा रहा हूँ। चलिए। इतने ब्लॉग तो मैं बना चुका हूँ। मैंने आज तक सुनी नहीं। चलिए आइसक्रीम रोल है। Good stuff. रवि, wonderful job यार। मेरे हिसाब से अगर आप करोगे ना, तो इस पे करना। ये आपके लिए सरप्राइज है। ये बोलते जी आपने कराया रवि जी यस इट्स योर बर्थडे एंड इट वाज प्लान मेरा बर्थडे 10 तारीख को है यार बट ठीक है इट्स ऑल राइट थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस थैंक यू ऑल थैंक यू ऑल यस कैन हाउ डू आई लाइक इट यार थैंक यू दैट्स वेरी स्वीट रवि यार आई नॉट सी दिस कमिंग इट्स एक्चुअली एबीज कल्चर टू सेलिब्रेट एवरीवनस बर्थडे अच्छा या चलो कुछ था यार चलो कैन आई कट द केक यस सर प्लीज लेट्स गो अहेड अनएक्सपेक्टेड मुझे कोई आइडिया नहीं था ये आपको पता ही चला मेरा बर्थडे अभी फेसबुक पर लिखा था फेसबुक यस आई वांट टू मेंशन इन यूट्यूब आल्सो थैंक्स बडी थैंक यू ये हल्का सा मैं केक ट्राई कर लेता हूँ थैंक यू स्टाफ थैंक यू पीपल वंडरफुल गाइस इसी के साथ मीठा भी डन सारा खाना खा लिया एंड आई एम फुल राइट नाउ इटालियन भी खाना था बट आई कांट यार जगह नहीं है एनीवे Guys, the staff of APs, thank you very much, yaar. I had a spectacular time. Bahut maza aaya. Thank you all of you. Bahut khane mein acha tha and wo cake wala surprise took me away, yaar. Once again, wonderful job. Aise mere subscribers ko treat dena. Theek hai? Aise treat karna. Thank you. Thank you, Sahil. Thank you so much, sir. Means a lot. Ravi yahan pe hai nahi, to Ravi ko thank you kehna. Theek hai? I'll visit again. Thank you so much. Thank you. Alright guys, what a wonderful experience यार वो जो केक वाला पार्ट था ना that took me away यार that was beautiful यार delightful spread amazing hospitality thank you brother ये वो केक है yes guys I told them to pack it obviously यार मतलब birthday केक है यार doesn't look nice it shouldn't go for waste thank you once again सबको लेते होंगे मेरे को लिया सबके लिए अच्छा सबके अच्छा anyway one thing that I wanted to let you know जो मुझे अभी पता चला there's an inaugural offer 25% off on your buffet मतलब अगर आप आओगे 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है कि नहीं है अमेजिंग एनीवे जीआईपी मॉल नोएडा में एबीज बारबेक्यू बना हुआ है
गेट नंबर 1 से सीधा आओगे तो आपको लेफ्ट साइड पर दिख जाएगा, गेट नंबर 11 से आओगे तो भी आपको दिख जाएगा, पार्किंग बिल्कुल नीचे ही है, बेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब बेसमेंट भी कर सकते हो बट नज़दीक यही पड़ेगा, है कि नहीं? ब्यूटीफुल टाइम यार, मज़ा आ गया। डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स होंगी, ना मिले फोन करके परेशान करना, पहुंचना, ट्राई देयर एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट फूड, टोटल एक्सपीरियंस, यू वांट टू लव इट यार, कमेंट में लिख देना है। और कुछ बताना है? कुछ नहीं बताना है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।